नमस्कार। बिहार में चुनाव बा, पाकिस्तान कश्मीर 370 पर तकरार बा। 6 दिन बाद बिहार में डलेंगे वोट, पर उससे पहले शुरू हो चुका है पाकिस्तान 370 जैसे मुद्दों पर सियासी विस्फोट। योगी आदित्यनाथ का बिहार में वार, कहे राहुल गांधी और असदुद्दीन ओवैसी पाकिस्तान के यार। तो सामने ओवैसी का पलटवार, कुल मिलाकर असली मुद्दे हुए बेरोजगार और अब की बार बिहार में कश्मीर, पाकिस्तान और 370 पर होगा आरपार। हमारा हैशटैग इसलिए है बैटल फॉर बिहार, और आज के सवाल समझना जरूरी है। एक के बाद एक सवाल ये आपके स्क्रीन पर आएंगे। बिहार के चुनाव में पाकिस्तान जिन्ना की एंट्री क्यों और किसने करवाई, सवाल नंबर 2। वोट बैंक के नाम पर पाकिस्तान जिन्ना गैंग काम पर, सवाल नंबर 3। बिहार में अब राष्ट्रवाद बनाम जिन्नावाद, यही मुद्दे होंगे, सवाल नंबर 4। विकास पर हार, तो तब जाकर पाकिस्तान कश्मीर से करेंगे बेड़ा पार, और सवाल नंबर 5। बिहार की लड़ाई अब योगी बनाम राहुल ओवैसी पर बनाए, पर आगे बढ़ने से पहले बिहार में कश्मीर पर आर पार 370 पर पाकिस्तान का, योगी का, सुनिए रा, सुनिए ये सियासी घमासान। इस समय दो ही लोग पाकिस्तान की तारीफ करते हैं, या तो राहुल गांधी या ओवैसी। जो जाएंगे बिहार में सरकार आ जाएगी बनेगी, और कश्मीर से जिस आतंकवाद यहां हम सफाई आने लगे वो हमारा बिहार का घर घर बड़ा हो जाएगा। ऐसा हो नहीं रहेंगे। प्रधानमंत्री जी ने सीमा हमारे दिल में सौंपा है, गृहमंत्री जी ने सौंपा है, हम आगे नहीं देंगे। क्या कांग्रेस माले की उग्र वामपंथी नीति को स्वीकार करता है? क्या वो माले को बिहार का सिरमौर बनाना चाहते हैं? क्या कांग्रेस इस बात का जवाब देगी कि गया में, जहानाबाद में, अरवल में, एक बार बिहार में जो अल्ट्रा मॉइस फोर्सेस के द्वारा जो वर्ग संघर्ष हुए, लोगों की हत्याएं हुई, बिहार में एक तरीके से सामाजिक रूप से तोड़ने का काम हुआ, उस माले को कांग्रेस क्या कहना चाहती है? और हम कांग्रेस से पूछना चाहते हैं कि टुकड़े टुकड़े भारत की गैंग के कारण दिल्ली में नौजवानों को बहका करके जिन लोगों ने भारत को तोड़ने के नारे लगाए, क्या ऐसी अल्ट्रा जो माओवादी फोर्सेस हैं, क्या कांग्रेस उनको बिहार में स्थापित करना चाहती है? भारतीय जनता पार्टी का स्पष्ट मानना है कि लोक जनशक्ति पार्टी हमारे गठबंधन का हिस्सा नहीं है। तो आज बैटल फॉर बिहार शुरू हो चुका है, और बैटल फॉर बिहार में अब पाकिस्तान और जिन्ना की भी एंट्री हो चुकी है। मेरे साथ 3 मेहमान जुड़ चुके हैं। मेरे साथ एलजेपी के राष्ट्रीय प्रवक्ता अजय कुमार जुड़ चुके हैं। मेरे साथ इस वक्त आरजेडी की प्रवक्ता सारिका पासवान जुड़ चुकी है। मेरे साथ कांग्रेस के समर्थक वरिष्ठ पत्रकार प्रेम कुमार जुड़ चुके हैं। मेरे साथ भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता भी जुड़ने वाले हैं, मुझे बताया जा रहा है मेरी गेस्ट टीम के द्वारा। और मुझे ये भी बताया जा रहा है, आश्वासित किया जा रहा है कि अजय आलोक, जो दोनों मेहमान सरकार में है, वो भी जुड़ेंगे, वरना इस डिबेट का कोई अर्थ नहीं होगा। पर सबसे पहले सवाल अजय कुमार जी आपसे, क्या असली मुद्दों का अपहरण किया जा रहा है, या आपको लगता है कि हाँ ये भी बुनियादी सवाल होना चाहिए राष्ट्रीय सुरक्षा को लेकर, और अगर पाकिस्तान और जिन्ना की एंट्री होती है कांग्रेस की तरफ से, तो उसका पलटवार अगर करते हैं योगी आदित्यनाथ तो कोई बुरी बात नहीं है? नहीं, देखिए, राष्ट्रीय मसले भी उतने ही महत्वपूर्ण हैं जितने स्थानीय मसले और राज्य के लोगों का दुख दर्द। लेकिन हाँ, हम ऐसी किसी भी कोशिश का पुरजोड़ विरोध करेंगे जहाँ की स्थानीय मुद्दों पे बात नहीं होगी और बात जो है राष्ट्र के सवाल पर उठा करके बिहार के वोटरों को दिग्भ्रमित करने का काम किया जाएगा। आपने अपने जो शुरू में क्लिपिंग सुनाए, उसमें निश्चित तौर पर कांग्रेस से यह सवाल उठता है कि जो माले जैसी विध्वंसकारी शक्तियां हैं जिनका आप अब तक विरोध करते रहे हैं, कन्हैया कुमार के खिलाफ आप कैंडिडेट देते रहे हैं, वही सीपीआई और सीपीआईएमएल आज आपके प्रिय हो गए, और दूसरी तरफ जिनके कारण फैक्ट्रियां बंद हुई बिहार में, जिनके कारण आज बिहार बदहाली की दर पे है, चाहे वह रोजगार का सवाल हो, चाहे फैक्ट्री का सवाल हो या मजदूर का सवाल हो, उनसे हाथ मिलाकर आप 10 लाख लोगों को रोजगार देने की बात कर रहे हैं, क्या एक तरह से ये रात और दिन की तरह विपरार्थक बातें नहीं है? आखिर बिहार की इस बदहाली के लिए यही कानून व्यवस्था, यही माओवाद, यही वामपंथियों का हड़ताल, आए दिन बंद, अपहरण,
फैक्ट्री नहीं चलने देना जिम्मेवार रहा है, नहीं तो बिहार तो बहुत ही उन्नत और विकासशील राष्ट्रों की श्रेणी में, देशों की श्रेणी में गिना जाता रहा है। ठीक है ठीक है, पर एक सवाल पूछा जाएगा ना कि बिहार में कश्मीर पाकिस्तान जिन्ना की एंट्री दरअसल की किसने, ये सवाल तो पूछा जाना लाजमी है। और प्रेम कुमार जी इतने इतने मासूम मत बनिए, ये लाहौर लिट फेस्ट में जाकर कौन अधिवेशन में कौन रैली में बयानबाजी कर रहा था, शशि थरूर भारत की बदनामी कर रहे थे। इससे पहले जब फारूक अब्दुल्ला का 370 को लेकर चाइना के समर्थन वाला बयान आया तो इसको इंडोर्स करने वाले कौन थे, पी चिदंबरम। ये 370, ये पाकिस्तान और फिर जिन्ना, जिन्ना के समर्थक को, और ये मैं नहीं कह रहा, ऋषि मिश्रा जो आपके कैंडिडेट बनना चाहते थे उन्होंने कहा है कि कांग्रेस पार्टी ने तो उसे टिकट थमा दिया जो जिन्ना समर्थक है, अर्थात मस्कूर उस्मानी को। तो जिन्ना पाकिस्तान और 370 तो लाने वाले आप है, कांग्रेस पार्टी है, तो आप क्यों, आपको इतना दर्द हो रहा है जब योगी आदित्यनाथ ने कुछ बात कह दी तो? देखिए शहजाद जी, आपने जो भी सवाल पूछे लगभग रोज ही यही बातें आप पूछते हैं और उसका हमेशा कांग्रेस को ही कटघरे में खड़ा करने का ये रहता है। हम उन सवालों का जवाब दें या बिहार के मुतल्लिक जो बात है, जो मुद्दे हैं उस पर जवाब दें, तो मैं आता हूँ बिहार चुनाव पर ही फोकस करता हूँ। नहीं, नहीं, पहले आप चुनाव में देखेंगे, दिल्ली के समय में भी यही कोशिश हुई थी। प्रेम कुमार जी, नहीं नहीं, मुद्दों पे चर्चा करनी थी इसलिए मस्कूर उस्मानी को टिकट दिया क्या? एक बार ग्राफिक्स फायर कीजिए ताकि इनको पता चले कि बिहार जिन्ना और 370 की एंट्री दरअसल हुई कैसे। स्क्रीन पर उसको फायर करेंगे, उज्जवल देखिए, कांग्रेस ने दिया मस्कूर उस्मानी को टिकट जाले से, दरभंगा के जाले सीट से इनको टिकट दे दिया, ना कि एलन झा के जो पोते हैं उनको जो इच्छुक थे इस टिकट के। और खुद ऋषि मिश्रा ने एलन मिश्रा के पोते ने कहा, एलन मिश्रा के पोते ऋषि मिश्रा ने कहा कि मेरा टिकट काटकर एक देशद्रोही जिन्ना समर्थक को टिकट दे दिया। इससे पहले आपने देखा होगा कि शशि थरूर ने 3-4 दिन पहले एक रैली एड्रेस की लाहौर में, वहां पे कहा कि भारत तो कुछ कर नहीं पा रहा है, सब फेल हो चुका है भारत में, अर्थव्यवस्था भी फेल है, कोरोना की लड़ाई भी फेल है, और फिर पी चिदम्बरम का भी 370 लागू करेंगे बयान फारूक अब्दुल्ला के समर्थन में। अब प्रेम कुमार जवाब दीजिए, क्या मुद्दों पर बात करनी थी इसलिए इन चीजों को आपने किया, लाहौर में एड्रेस कर रहे थे? देखिए फैक्चुअली कम से कम शहजाद जी गलत नहीं बोलना चाहिए। शशि थरूर जी ने कोई रैली नहीं संबोधित की, उन्होंने वो पूरा एक घंटे तीन मिनट का मैंने वो भाषण सुना है और उसमें उन्होंने जितना राष्ट्रवाद दिखाया है, चीन के खिलाफ चीन से लड़ने की बात और सारी चीजें, वो तमाम चीजें वो आप नहीं कह रहे हैं। अच्छा। तो वो शशि थरूर के राष्ट्रवाद के मुकाबले दूसरा कोई खड़ा नहीं होगा, पहली बात है। दूसरी बात यह है, मैं ये कह रहा हूँ कि दिल्ली चुनाव में भी यही कोशिश हुई थी, यही जिन्ना का सवाल, वो ना बोलने नहीं देंगे ना। बोलिए, नहीं नहीं नहीं, आप सुनिए, देखिए आपने जितना बड़ा सवाल पूछा मुझसे एक दो लाइन भी आप नहीं सुन पा रहे। बोलिए ना, बोलिए, दिक्कत यह है, बोलिए। देखिए दिल्ली चुनाव में भी यही जिन्ना यही पाकिस्तान हुआ था, कहा था कि अगर 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 जीत अगर बीजेपी हारेगी तो घर घर बलात्कार होगा, और बिहार में भी कहा गया कि अगर महागठबंधन जीतेगा तो फिर पाकिस्तान के आतंकवादी आकर के बिहार में पनाह लेंगे। एक पैटर्न है, सेम पैटर्न है, विकास के मुद्दे पर बोलने की हिम्मत नीतीश और जेडीयू को नहीं हो रही है, जैसे अरविंद केजरीवाल को हुई थी। ये पूरा पैटर्न है। ठीक है, आपकी बात आ गई, 3 मेहमान है, 45 मिनट का समय, भाषण नहीं देना है, तेजस्वी यादव की रैली नहीं चल रही है, एक सेकंड। सारिका पासवान जी, सवाल मेरा आपसे है, अगर विकास ही आपका मुद्दा है, आपकी प्राथमिकता बेरोजगारी और विकास है, तो आपके समर्थन से आपकी बेड़ियों पर चुनाव लड़ने वाली कांग्रेस पार्टी कभी जिन्ना के समर्थकों को टिकट दे रही है? आपका भी इतिहास किस तरीके से रहा है, और आप लोगों ने तो अपने पोस्टर से सभी को गायब कर दिया है, सिर्फ तेजस्वी यादव की तस्वीरें दिख रही है, मतलब वो जो माता पिता है जिन्होंने 15 साल बिहार में सरकार चलाई, आज तो आप उनसे आइडेंटिफाई भी नहीं करना चाहते, कहीं किसी को लालू राज याद ना आए, क्यों? देखिए पहले मैं पोस्टर से शुरू करना चाहूंगी, ये जो पोस्टर पे सवाल है
तो ये विधानसभा चुनाव है और उसमें एक सीएम का चेहरा प्रोजेक्ट करना है, और हमारे महागठबंधन में जो चेहरा है सीएम के लिए वो तेजस्वी यादव जी का है। और अगर मैं बात करूं एनडीए की, तो आपने देखा होगा कि एनडीए की भी जो बहुत बड़ी जो पोस्टर है उसमें सिर्फ और सिर्फ नीतीश जी का चेहरा है, क्योंकि वो लोग भी एज अ सीएम नीतीश जी को प्रोजेक्ट कर रहे हैं। तो ये तो मुद्दा ही नहीं है, पोस्टरबाजी वाली कोई मुद्दा ही नहीं है। रही बात जिन्ना और आतंकवाद और माओवाद की शामिल करने की, तो मैं याद दिलाना चाहूंगी कि ये कभी भी हमारे महागठबंधन की तरफ से ये शुरुआत नहीं हुई है, ये शुरुआत एनडीए की तरफ से हुई है शुरू से, क्योंकि उनके पास एक्चुअली बिहार के लिए कोई मुद्दा है नहीं, तो हमेशा वो राष्ट्रवाद, माओवाद और जिन्नावाद, और अब तो 370 ले आए हैं बीच में। सारिका जी, तो मैंने पहले भी बोला था कि अभी 12 दिन की रैलियां होने वाली है यहाँ बिहार में, और इन 12 दिनों में नए 12 सबूत छोड़े जाएंगे, नई 12 तरह के मुद्दे भी निकलेंगे। अच्छा सारिका जी, मुझे एक सवाल का जवाब दीजिए, इन बातों से कोई मतलब नहीं है, वो थक चुकी है इन सबको सुन करके, वो जानते हैं। अभी देखिए सारिका जी, सवाल तो ले लीजिए, सारिका पासवान जी सवाल ले लीजिए, सवाल आप ही से है। सारिका पासवान, आवाज आ रही है मेरी सारिका जी को? हम कहां से वेतन देंगे? आज आपने 19 सारिका जी, मेरी आवाज आपके पास पहुंच रही है, तो मेरा सवाल ले लीजिए। पता चलता है कि आप कितने दोहरे, ठीक है सारिका जी, जब हम कर रहे थे सारिका जी, उंगली उठा रहे थे, मेरी आवाज सारिका जी तक पहुंचाइए, आगे आकर के 19 लाख नौकरियों का आपने। सारिका जी, मैं आपसे एक सवाल पूछ सकता हूं? मेरा एक सवाल आप पूछ समझ लेंगी, मेरा सवाल एक ले लेंगी? सारिका पासवान, भाषण नहीं देना है, सवाल जवाब होते हैं यहां पर। सारिका पासवान, मैं आपसे सवाल पूछना चाहता हूं, आप मेरा सवाल सुनेंगी? जी। मेरा सवाल आपसे यह है, आज भारतीय जनता पार्टी ने अपना संकल्प पत्र विजन डॉक्यूमेंट साझा किया, उसमें उन्होंने बिहार में फ्री कोरोना वैक्सीन की बात की, आपको क्या दिक्कत है अगर बिहार में फ्री कोरोना वैक्सीन दी जाएगी तो? बिल्कुल कोई दिक्कत नहीं है। देखिए पहले तो ये समझना तो होगा, उसको अपोज क्यों कर रहे हैं पार्टी के जो हमारे नरेंद्र मोदी हैं, क्या चाहते हैं बिहारियों को वैक्सीन ना मिले? और प्रधान, मैं बता रही हूँ घोषणा से आपने देखा होगा, पहले लाइन में जो उन्होंने वो डिटेल दिया है उसमें स्पष्ट रूप में लिखा है कि अगर हमारी सरकार सत्ता में आती है, तो ये शब्द जो है ना कहीं से एक थ्रेटनिंग वाला शब्द है, आप धमकी दे रहे हैं, आप अब लिटरली धमकी देने पे उतर आए हैं कि अगर हमारी सरकार नहीं आती है तो हम आपको वैक्सीन नहीं देंगे, अगर आती है तब हम आपको मुफ्त वैक्सीन देंगे। ये किस तरह का प्रलोभन आप दे रहे हैं, किस तरह का आप डरा रहे हैं लोगों को, किस तरह का आप भाषा इस्तेमाल? मेरे साथ अजय आलोक जेडीयू के राष्ट्रीय प्रवक्ता, बिहार के बड़े नेता अजय आलोक जुड़ चुके हैं। अजय आलोक जी, बताया जा रहा है कि आपके पास असली मुद्दे नहीं है, आप तो सुशासन पर चुनाव लड़ना चाहते थे, योगी आदित्यनाथ वहां पर जाकर पाकिस्तान जिन्ना 370 की एंट्री करवा रहे हैं। पहले तो मुझे ये बता दीजिए कि क्या आप सहमत है ऐसे मुद्दों की एंट्री से, या आपको लगता है कि इस बार बिहार में राष्ट्रवाद बनाम जिन्नावाद मुद्दा है, ना कि नीतीश के 15 साल सुशासन के? देखिए शहजाद जी, जिन्ना को हमने बिहार में एंट्री नहीं दी, जरा कांग्रेस पार्टी से पूछिए कि जिन्ना की एंट्री किसने करवाई? मकसूर उस्मानी कौन था जिसको कांग्रेस ने अपना कैंडिडेट बताया, जिसने जिन्ना की तस्वीर के पीछे अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में बवाल मचाया था? क्या जिन्ना की एंट्री हमने करवाई? ऐसे लोगों को टिकट किसने दिया? गांधी मैदान ब्लास्ट के आरोपी आफताब, उसको टिकट किसने दिया? कांग्रेस पार्टी ने दिया। और अब जब जिन्ना की बात होगी तो ये क्या ये देश जानना नहीं चाहेगा कि ये देश जिन्ना के संस्कारों पे चलेगा या गांधी के संस्कारों पे? हम तो गांधी के मानने वाले हैं। शराबबंदी हमने लागू की, कांग्रेस पार्टी कल कहती है कि शराबबंदी कानून पे समीक्षा करेंगे, अपने घोषणा पत्र में नंबर 3 पे कि शराबबंदी कानून की समीक्षा होगी, और रात में सुरजेवाला आ जाते हैं खंडन करने। ये पार्टी सेल्फ गोल करने में माहिर हो चुकी है, क्या बकवास करेंगे? प्रेम कुमार, इनके शशि थरूर जाके शशि थरूर पाकिस्तान में जाके बोलते हैं कि कोरोना का कंट्रोल पहले बात तो ये है जवान है, उसने कोई गुनाह नहीं किया है, उस्मानी ने कोई गुनाह नहीं किया है। मोहम्मद अली जिन्ना की तस्वीर आजादी से पहले से एएमयू में लगी हुई थी, उसको उस्मानी ने नहीं लगाया है, और उसके लॉजिक है वहां रहने के। तो पहली बात यह कि कोई एंट्री नहीं है, ये बेवजह का विवाद था और बेवजह का विवाद पैदा किया गया। दूसरी बात, ये गांधी मैदान के आरोपी की बात कर रहे हैं, गांधी मैदान की घटना कब हुई थी? वहां लगी रहे लेके डबल इंजन क्या की सरकार, वो तस्वीर वहां लगी रहे केंद्र की सरकार? जवाब दीजिए, क्या आप चाहते हैं कि जिन्ना की तस्वीर लगे हिंदुस्तान में? क्यों नहीं लगी रहे? मोहम्मद अली जिन्ना की तस्वीर क्यों नहीं लगी? जिन्ना की तस्वीर हिंदुस्तान में लगाया है क्या?
आपने लगाया है कि हमारे पुरखों ने लगाया? जवाब हो गया, हमारे पुरखों ने उस तस्वीर को पासवान सारिका पासवान आप भी जिन्ना की तस्वीर के समर्थन में है क्या? हटाने की जरूरत भी नहीं। अच्छा अच्छा अच्छा, एक सेकंड, सारिका पासवान कांग्रेस कह रही है जिन्ना की तस्वीर रहेगी और चलती रहेगी, जिन्ना की तस्वीर नहीं है, पर आपके साथी कह रहे हैं कि नहीं इसमें कोई गलत बात नहीं है। बताना चाहूंगी सारिका पासवान अहमद उस्मानी ने मस्कूर हमारे माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को पत्र लिखा था जिसमें उन्होंने स्पष्ट लिखा था कि वो उन्होंने लिखा था पत्र में जिसमें जिक्र किया था कि वो मुंबई हाई कोर्ट से जहां की जिन्ना की तस्वीर टंगी हुई है वहां से हटाने की मांग की थी उन्होंने एज वेल एज, और ये पत्र बिल्कुल लिखित इन रिटन दिया गया था। नरेंद्र मोदी जी से मैं पूछना चाहती हूँ या उनके सहयोगी दलों से मैं पूछना चाहती हूँ इस पे उन्होंने क्या संज्ञान लिया? ठीक है, तो मुद्दा एक्चुअली जिन्ना कहीं है ही नहीं, इनके पास विकास के कोई मुद्दे नहीं है, तो ये कभी जिन्ना को ले पता नहीं। मैं तो बोल रही हूँ ना कि सुन लीजिए क्या किन किन तरह सारिका सारिका प्लीज अजय आलोक कभी जुड़े आप उनकी बात सुनिए, आपको मौका मिलेगा की बातें सुनना चाहते। ठीक है सारिका, एक काउंटर ले लीजिए सारिका, बोलिए अजय, मुद्दे नहीं है बात करने के लिए। ठीक है अजय जी बोल रहे हैं, इनकी दुखती रख पे हाथ रखिए ना, इनकी दुखती रख पे हाथ रखिए तो ये फड़फड़ाने लगते हैं क्योंकि इनको अपनी गलती करने के बाद समझ में आती है कि हमसे गलती हो गई। अभी भी टीवी चैनल पे बोल रहे हैं कि जिन्ना की तस्वीर क्यों नहीं लगेगी, क्या आज पाकिस्तान में नेहरू की तस्वीर लगती है या गांधी की तस्वीर लगती है? क्या बात कर रही है लोग, ये किस तरह की राजनीति इस देश में करना चाहते हैं आज 70 साल के बाद? नेहरू जी से विश्वास उठ गया, इंदिरा गांधी से विश्वास उठ गया, प्रेम कुमार राजीव गांधी से विश्वास उठ गया, लालू यादव की तस्वीर लगानी। अरे जवाब दीजिए, आप लोग लड़ाई में तो है नहीं, कांग्रेस ना 3 में ना 13 में। नहीं पर तस्वीर कांग्रेस लगा रही है ना, पाकिस्तान 370 कश्मीर जिन्ना पाकिस्तान की कांग्रेस ला रही है चुनाव में, कांग्रेस पार्टी जवाब देगी, कांग्रेस पार्टी रिस्पॉन्ड कीजिए। नेशनल लेवल जो है 33% का है हिंदू और बिहार में महिलाओं के प्रति अपराध जो है 49% है, ये महिलाओं के प्रति। प्रेम कुमार विद अजय आलोक प्लीज ऑन द कैमरा ऑन द स्क्रीन प्लीज। क्षेत्र में कोई औद्योगिक प्रगति विकास जी बोलिए प्रेम कुमार। प्रेम कुमार अगर ये विकास की बात करनी है तो आपका पोस्टर बॉय उस्मानी है क्या इन बातों के लिए? इन विकास की बातों के लिए बेरोजगारी का मुद्दा उठाने के लिए तो आप मुझे बताइए ना, ये पोस्टर बॉय ऋषि मिश्रा का टिकट काटकर आपको ये जिन्ना समर्थक मिला, जानबूझ करके ये प्रश्न खड़ा किया जा रहा है। ठीक है अजय आलोक, सवाल आपसे भी है अजय आलोक, जिन्ना समर्थक की बात ही नहीं, जिन्ना समर्थक तो लाल कृष्ण आडवाणी है, बीजेपी में जिन्ना समर्थक है, ये तो जिन्ना की मूर्ति एएमयू में हमारे पुरखों ने लगा रखी है, आपके हमारे सबके पुरखों ने लगा रखी है। उस्मानी हमने लगा रहे ना हटा रहे, उस्मानी ये बात करें जिन्ना समर्थक कौन है? बीजेपी के लोग पाकिस्तान में माला चढ़ाते हैं। सुन लीजिए प्रेम कुमार, अजय को अजय आलोक बोल रहे, बोलिए इसी आपके 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 इसी उस्मानी ने यासीन भटकल की तारीफ की थी, आपके इसी उस्मानी ने जेएनयू के उन लोगों की तारीफ की थी जिन्होंने भारत तेरे टुकड़े टुकड़े के नारे दिए थे, उनके समर्थन में ट्वीट किया था, अब क्या कहते हैं आपका इस उस्मानी के बारे में? इनको पोस्टर बॉय बना के चुनाव लड़ेंगे बिहार में, और उसके बाद आप कहेंगे उनके ट्विटर अकाउंट को चेक कीजिए, उनके ट्विटर अकाउंट को चेक कीजिए, उन्होंने उनके समर्थन में लिखा है, जेएनयू के समर्थन में लिखा है, कन्हैया कुमार तो आपके जेब में बैठे हुए हैं, सीपीआई माले के साथ आप चुनाव लड़ने साहब आप हमें ज्ञान दे रहे हैं, शर्म नहीं आती आपको? पीडीपी से सरकार चला रहे हैं, सीपीआई माले के साथ चुनाव लड़ने वाला व्यक्ति अजय आलोक के समर्थन हमें ज्ञान दे रहा है? एक सेकंड प्रेम कुमार, एक सवाल अजय, आज तक नहीं पकड़ा? ठीक है प्रेम कुमार, प्रेम कुमार, प्रेम कुमार और को करते हैं। ठीक है प्रेम कुमार, एक बात मैं अजय आलोक से भी पूछना चाहता हूँ, अजय आलोक जी ये पहली बार तो नहीं है कि बिहार चुनाव में पाकिस्तान की एंट्री हुई है, 2015 में आपको याद होगा कि अमित शाह ने भी क्या कहा था, उन्होंने कहा था कि बिहार में, और उस समय आप चुनाव लड़ रहे थे आरजेडी के साथ, तो मैं चाहता हूं कि मेरे प्रोड्यूसर ध्यान दे और इस बाइट को सुनवाए जो 2015 की अमित शाह की बाइट है, किस तरीके से उस समय पर भी तत्कालीन अध्यक्ष थे भारतीय जनता पार्टी के अमित शाह ने कहा था कि बीजेपी हारती है तो पाकिस्तान में आतिशबाजी होगी, सुनिए उसके बाद अजय आलोक का रिएक्शन लेंगे, सुनिए। भारतीय जनता पार्टी बिहार में हार गई, गलती से भी अगर भारतीय जनता पार्टी बिहार में हार गई तो जय पराजय तो बिहार में होगी, फटाके पाकिस्तान में जाकर चलेंगे।
अजय आलोक, आप इस गठबंधन में सीनियर पार्टनर है, एक बार अजय कुमार जी को भी स्क्रीन पर लाइए, आप सीनियर पार्टनर है, आप भारतीय जनता पार्टी से बोलिए ना, जो पिछली बार की गलतियां की उन्होंने, जिसका आपने, मुझे याद है आप प्रवक्ता थे, आपने खंडन किया था इस बयान का और आज भी शायद उसका खंडन करते हैं, तो उनको बताइए कि नीतीश बाबू ने इतने काम किए उनको गिनवाए, योगी जी यहां पर आते हैं पता नहीं ध्रुवीकरण करना है क्या करना है, तो पाकिस्तान, राहुल, ओवैसी, 370, जिन्ना, ये सारा शुरू हो जाता है। काम के बलबूते पर वोट मांगे ना सर। नहीं कहा था हम लोग काम के जी, हम सात निश्चय के बलबूते ही वोट मांग रहे हैं और हमारा गठबंधन भी उसी बलबूते वोट मांग रहा है, लेकिन जिन्ना की एंट्री करवाई कांग्रेस पार्टी ने, जिन्ना समर्थक को टिकट दिया कांग्रेस पार्टी ने, और यकीन मानिए बिहार के चुनाव में जब जब पाकिस्तान जिसने लाया उसे मुंह की खानी पड़ी, चाहे 2015 में भारतीय जनता पार्टी थी, चाहे 2020 में आज कांग्रेस पार्टी महागठबंधन लेके आई है जिन्ना को, ये लोग वही हश्र वही होगा, क्योंकि ये सब चीज मानने को बिहार तैयार नहीं है। बिहार का हर बच्चा बच्चा राजनीतिक तौर पे बहुत जागृत है, वो जानता है कि किसकी सरकार आनी चाहिए और क्या उसका भला होना है, इनके कहने से नहीं होगा। सीपीआई माले की गोद में बैठा हुआ व्यक्ति हमें नक्सलवाद पे भाषण दे रहा है, कांग्रेस पार्टी माले से लड़ रही है, कांग्रेस पार्टी जननी है नक्सलवाद की बिहार में, लालू यादव ने उसका पालन पोषण किया, आज दोनों मिलकर अपने अस्तित्व की लड़ाई बचाने के लिए माले के साथ चुनाव लड़ रहे हैं। कम्युनिस्ट नक्सलवाद का खात्मा हमने किया 2005 से 20 तक, आज नक्सलवाद के बढ़ावा देने के लिए साथ में बैठ के चुनाव लड़ रहे हैं लोग, अज्ञान दे रहे हैं नक्सलवाद का। ठीक है, डेवलपमेंट को रोका किसी ने तो नक्सलियों ने रोका है, कांग्रेस राज में, लालू राज में, आइए दोनों हाथ हाथ में हाथ मिलाए हुए थे, आज तो साबित हो गया साथ में बैठ के चुनाव लड़ रहे हैं। ठीक है अजय कुमार जी, एलजेपी के बड़े नेता अजय कुमार जी, मुझे बताइए असली मुद्दों का अपहरण कौन कर रहा है, क्या बीजेपी कर रही है या कांग्रेस पार्टी और आरजेडी कर रही है, कौन कर रहा है असली मुद्दों का अपहरण? आप भी बिहार के बहुत बड़े स्टेक होल्डर है, बताइए आप। नहीं, देखिए अभी अजय आलोक जी ने बड़ी ईमानदारी से एक बात को स्वीकार कर लिया कि इनकी सोच और भाजपा की सोच नहीं मिलती है। इन्होंने ये भी कहा कि बीजेपी पहले इस तरह के मुद्दे लाई और उसको राज्य में मुंह की खानी पड़ी। ठीक है, तो ये साफ पता चल गया कि ये गठबंधन नहीं है, दोनों के विचार नहीं मिलते हैं और मजबूरी में नीतीश कुमार जी, जो उनका इतिहास है, भूगोल है, वो भाजपा के साथ हैं और मौका नहीं मिलते ही, जैसे जॉर्ज फर्नांडिस से पिंड छुड़ाया, शरद यादव से छुड़ाया, मांझी जी से छुड़ाया, फिर आज मांझी जी सवाल के साथ का जवाब दे दीजिए ना, पहले से भी ये जा चुके हैं और मौका मिलते ही ये निकल लेंगे। कहने के लिए इनके पास अगर सच्चाई होता तो ये अपनी रिपोर्ट कार्ड पे चुनाव लड़ते, ये पीछे भूत को नहीं याद कर रहे होते कि भाजपा के कारण इस कारण हार हो गई और लोजपा के कारण हो गई। इनके पास अपना कहने के लिए कुछ नहीं है, इसलिए बार बार मिनट मिनट एंडोर्समेंट ढूंढते हैं, बीजेपी के नेताओं से फोन करते हैं, फोन करवाते हैं और ये कहते हैं कि नीतीश कुमार ही मुख्यमंत्री बने। अजय कुमार जी, चिराग पासवान कह रहे हैं दिल खोल कर देखेगा तो मोदी जी बसते हैं, मैं मोदी जी का हनुमान हूँ, आपने तो बीजेपी के तमाम लोगों को अपना मतलब कुल देवता बना के रखा है, तो योगी जी पे भी तो आपको भरोसा होगा इतना ही? हाँ बिल्कुल, हम तो जी बिल्कुल भरोसा है, हम उनके साथ हैं, हम इनके साथ समय के रंगे यार नहीं है, जो अभी चुनाव में गए नहीं है, अभी रोज रोज समर्थन मांग रहे थे और अभी यहाँ आपके चैनल पे बीजेपी का विरोध कर रहे हैं अजय आलोक जी। अजय आलोक आपके ऊपर सीधा आरोप नहीं, नहीं है, हम दम दम ठोक के ठीक है सीधा आरोप साथ हैं और नहीं, अरे नहीं रहते हुए है? भी हम समर्थन कर रहे हैं आदित्यनाथ का, दोनों अजय स्क्रीन पर जी। 2015 में ये भूल गए क्या कि हमारे विरोध में चुनाव लड़ रहे थे? कौन पूछता है, 2015 में ये हमारे विरोध में चुनाव लड़ रहे थे तो क्या मैं समर्थन की बात करूंगा? ये पागल हो गए, चिंता कीजिए अजय आलोक, 2020 में आज हम भाजपा साथ मिलकर लड़ रहे हैं, ये अलग है, सच्चा ये विरोधी ये है, मैं नहीं हूँ। आलोचना इन्होंने अपना रास्ता खुद चुना है, अभी इनको अपना रास्ता चुनने दीजिए, बीजेपी मानने को तैयार नहीं है, ये जबरदस्ती बीजेपी के पीछे पड़े हुए हैं, उनका कार्यक्रम पूछ कौन रहा है? बीजेपी पूछ रही है, अरे वाह ये कैसी दोस्ती है, बीजेपी पूछ रही है, पहले इनसे पूछिए ना, हाथ मिलाते रहिए। अच्छा ठीक है, बीजेपी पूछ रही है, इनसे पूछ लीजिए, बेवकूफ बनाने का अच्छा प्रकल्प, ऐसा ना हो जाए दोनों अजय की लड़ाई में अच्छा हुआ शहजाद पूनावाला जी। ठीक है ठीक है, के पात्र है, नहीं नहीं आपने यह प्रार्थक बातें आज जनता को अपने ठीक है, ऐसा ना हो जाए कि दोनों अजय की लड़ाई में, दोनों अजय की लड़ाई में तेजस्वी बाजी मार जाए, पर तेजस्वी यादव से मेरा सवाल है, मतलब तेजस्वी यादव के समर्थ, एक सेकंड प्रेम जी, सारिका जी आपसे सवाल है मेरा, नीतीश कुमार और नीतीश कुमार के प्रवक्ता अजय आलोक जिनका मैं बड़ा सम्मान करता हूँ, वो हर डिबेट में जाकर कह रहे हैं कि आप डिबेट जीडीपी पर कीजिए,
उनके समय पर, लालू जी के समय पर जीडीपी थी कितनी, 2.9% ग्रोथ, हमारे समय में 13% ग्रोथ हो रही है। तो आप जीडीपी के ग्रोथ पर बात नहीं करना चाहती, आप लॉ एंड ऑर्डर पर बात नहीं करना चाहती, आपका भी मुस्लिम वोट बैंक है इसलिए आपने भी स्टेटमेंट पकड़ लिया और उसी पर राजनीति हो रही है। आप क्यों नहीं मुद्दों पर बात करती? आप कीजिए ना, डेवलपमेंट पर बात कीजिए, कितने पुल बने उस पर बात कीजिए, प्रति व्यक्ति आय के बारे में बात कीजिए। आप क्यों भाग रहे हैं असली डिबेट से? सारिका जी, बिल्कुल नहीं, ये बिल्कुल गलत आरोप है। हम तो हमेशा ही सकारात्मक बातें कर रहे हैं और सही मुद्दों पे ही डिबेट करना चाह रहे हैं। हम तो बिल्कुल लॉ एंड ऑर्डर पे डिबेट करना चाह रहे हैं, हम विकास के मुद्दों पे डिबेट करना चाह रहे हैं। हमारे नेता तेजस्वी यादव जी ने बिल्कुल खुला निमंत्रण दिया है हमारे माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी को कि आप आए और विकास के किसी भी मुद्दे को आप अपनी स्वेच्छा से उसे चुने, जो भी मुद्दा आप चुनना चाहते और आए और बैठ करके हम खुला डिबेट करते हैं। बट हमारे क्या कारण है कि हमारे मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी एक भी उनके इस प्रस्ताव को स्वीकार नहीं कर रहे? आप आइए भाई, तैयार है आपके उन मुद्दों पर? आज मैंने एक सवाल पूछा है, उसका जवाब मिलेगा मुझे? क्या है ना कि बिहार में कोई ऐसा विकास, शहजाद आज मेरा एक सवाल है इन लोगों से। जी जी, अजय आलोक का सीधा सवाल आरजेडी से, मेरा एक सवाल उसका जवाब दे दीजिए। सारिका जी एक सवाल अजय आलोक सीधा पूछ रहे हैं, सीधा अजय आलोक आपसे सीधा सवाल पूछे। अजय आलोक आज आप खुद एंकर की भूमिका में पूछे सवाल। आपने आज आपने 10 लाख नौकरी देने की बात की जो कि झूठा है, क्योंकि 4.5 लाख का बोल रही है रिक्त पद है, जबकि रिक्त पद तो मात्र 1,73,600 है, आज साबित हो गया वहां झूठ निकले। दूसरी बात, रेलवे में रहते हुए जितनी नौकरी दी उसके बदले में जमीन लिखवा ली, ये भी साबित है, कोर्ट में है, सीबीआई कोर्ट में सारे दस्तावेज है। आपने अपने चाचा तक को नहीं छोड़ा, मंगरू यादव की जमीन लिखवा ली। तो मेरा सवाल ये है जो बिहार का हर नौजवान पूछ रहा है कि तेजू भैया मंगरू की जमीन कब लौटाएंगे, मंगरू यादव की जमीन कब लौटाएंगे? तेजस्वी जवाब दे दीजिए जरा। मैं जवाब देना चाहूंगी कि लिखा हुआ है पेपर कोर्ट में, मंगरू यादव की जमीन कब लौटेगी? आज तेजस्वी यादव जी के साथ मंगरू की जमीन कब लौटेगा? नौजवान आज समझ गया है। अरे तेजस्वी यादव से ही सवाल है, मौनी के नाम पे जमीन है, मंगरू की जमीन कब लौटेगी? झूठे वादे आपने कोर्ट में जमा है, कागज गर्त में आपने बिहार, मंगरू की जमीन कब लौटेगी? एक एक आवाम, एक एक नौकरी देने के बदले जमीन देने वाले नौकरी बांटेंगे। मैं जेडीयू आरजेडी, जेडीयू और आरजेडी, एक सेकंड, मैं चुनाव आयोग तो नहीं हूं पर 30 सेकंड आपसे मांग रहा हूं, 30 सेकंड मांग रहा हूं। 2015 के विधानसभा चुनाव में देखिए वहां पर कितना वोट मिला, 24.4 वोट मिला जेडीयू को, 16.8 और आरजेडी को 18% वोट मिला। 2019 में अगर आप देखें आगे की स्लाइड पर अगर हम जाएंगे, 2019 में लोकसभा चुनाव हुए थे, अगर लोकसभा चुनाव की ओर करेंगे रुख तो देखें 23.58 बीजेपी को, जेडीयू को 21%, मतलब बीजेपी ओवरटेक कर गई आरजेडी को 15.36। और 2020 में अब जो आंकड़ा है उसकी तरफ जाएंगे, जो कुछ ओपिनियन पोल के सर्वे हुए हैं अभी तक क्या आंकड़ा निकल कर आ रहा है देखिए। एक अगर आप देखें लोकनीति सीएसडीएस में एनडीए को, मतलब चार पार्टी बीजेपी, हम पार्टी, जेडीयू और इसके अलावा वीआईपी पार्टी को 38% वोट शेयर मिलने की बात की जा रही है, और अगर आप सी वोटर का सर्वे देखें तो 48%, मतलब दोनों ही सर्वे में महागठबंधन कांग्रेस और आरजेडी पीछे हैं, 76 से 80 सीटों पर है, जबकि एनडीए मतलब जेडीयू बीजेपी का कंबाइन जो है वो आगे है। इसलिए अजय आलोक मैं आपसे पूछना चाह रहा हूं, जब अनुमानित वोट शेयर जो लगाया जा रहा है ओपिनियन पोल्स में उसमें कहा जा रहा है कि आप कंफर्टेबली आगे हैं, तो फिर पाकिस्तान जिन्ना 370 को लाने की जरूरत क्या है? क्या ऐसा है कि अजय आलोक तेजस्वी यादव की बड़ी रैलीज को देखकर उन्होंने ये कह दिया कि चलिए हमें थोड़ा सा अब हिंदू मुस्लिम पाकिस्तान कश्मीर ये करना पड़ेगा? क्या आपने ये सलाह दी थी क्या? मत बदलिए, भीड़ तो पिछले लोकसभा में भी आती थी तेजू बाबा के चुनाव में, क्या हुआ लोकसभा में 0 पे आउट हो गए ना, भीड़ कभी वोट का पैमाना नहीं होती है, इसलिए उसकी तो भूल जाइए। दूसरी बात, मैं फिर कह रहा हूं कि जिन्ना की एंट्री इस चुनाव में कांग्रेस पार्टी ने कराई है, ना कि भारतीय जनता पार्टी या जनता दल यू ने, लेकिन जब जिन्ना की एंट्री आपने कराई है और खुलेआम आपके टीवी स्क्रीन पे बोल रहे हैं कि जिन्ना की फोटो नहीं हटाएंगे, जिन्ना की फोटो रहनी चाहिए, तो इसका क्या सबूत चाहिए? जिन्ना को ये लोग अपना आइडल मान चुके हैं भाई, प्रेम कुमार, इनको लगता है कि जिन्ना जिन्ना करेंगे तो वो अल्पसंख्यकों का वोट हमारे पास आ जाएगा, ऐसी बेवकूफाना सोच है इनकी। आपने कहा जिन्ना की फोटो नहीं हटनी चाहिए, आपने कहा इस शो में, अजय आलोक पर आरोप मत लगाइए, आपने कहा ये शो में, रिवाइन करके सुनिए, आप अनावश्यक विवाद की ओर ले जा। 17% मुस्लिम वोट चाहिए क्या?
देखिए मैंने जो कहा कि वो फोटो हमारे पुरखों ने लगाई थी, आपके पुरखों ने लगाई थी, ना हमने लगाया है ना हमने हटाया है, हमने ये बात कही है एक बात। लेकिन सबसे पहले आलोक जी से पूछिए ना कि अरे वो नीतीश जी नरेंद्र मोदी जी का फोटो लेकर के वोट मांगने जाएंगे, जो कि फोटो लगने से न्योता ठुकरा दिए थे, निवाला छीन लिए थे बीजेपी नेताओं का, पीएम उम्मीदवार बने नरेंद्र मोदी तो गठजोड़ तोड़ लिया, प्रधानमंत्री बने तो सीएम से इस्तीफा दे दिया, वो नरेंद्र मोदी को बिहार में चुनाव प्रचार करने नहीं देंगे। अच्छा। ये बोलने वाले नीतीश जी आज मोदी जी को साथ लेके कल से वोट मांगेंगे, कल साथ प्रचार करेंगे जनता को। अरे वो डीएनए खराब बता रहे हैं, पता नहीं ये दोनों जो है वर्तमान में, प्रेम कुमार अजालो जो शर्मनाक स्थिति है वर्तमान में नहीं रहते, इनकी समस्या ये। प्रेम कुमार जवाब 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 अच्छा प्रेम कुमार मैं आपको टास्क देता हूँ, कांग्रेस का सीएम कैंडिडेट कौन होगा 30 सेकंड खोजिए, तब तक अजय आलोक का जवाब आएगा। जी बोलिए आप खोजिए 30 सेकंड, तब तक अजय आलोक आपकी बातों का जवाब। कांग्रेस का महागठबंधन का सीएम बन रहा है, कांग्रेस का क्यों बनेगा? कांग्रेस महागठबंधन का सीएम तेजस्वी यादव, कांग्रेस पार्टी हमेशा अतीत में रहती है, ये अतीत में ही मर जाएगी। 30 सेकंड दे दीजिए, ये चिल्लाएंगे सिर्फ चिल्लाते रहेंगे शहजादी। समस्या ये कि ये कसैया के शराब से गैया मरती है क्या? प्रेम कुमार प्लीज ऐसे नहीं करते, कसैया के शराब से गैया नहीं मरती है। 30 सेकंड अब रुक जाइए, इसलिए खाली चिल्लाते रहे, ऐसे ऐसे गलत बात नहीं बोलेंगे ना आप, अपनी बारी में बोलिए ना। पर अजय आलोक नंबर वन की पार्टी, उनसे आप गलत बात नहीं बोलेंगे, बोलने दीजिए ना उनको, आरजेडी के पास भी जाना। जी बोलने दीजिए अजय आलोक, ये लोग अतीत में ही रहते हैं, अतीत में ही रह जाएंगे कि हम 70 साल राज किए, हम ये किए, हम वो किए। अरे कहाँ की बात ला रहे हैं उठा के भैया, 2 साल से हम सरकार साथ में चला रहे हैं, प्रधानमंत्री के थाली छीन लेंगे, ये कर लेंगे। कल प्रधानमंत्री के साथ नीतीश कुमार को देखिएगा, गया में और डिहरी में रैली है, ठीक है ना, आपकी नजरें एकदम बिल्कुल भर जाएंगी। अच्छा से पोछ ओछ लीजिएगा, नीतीश कुमार नरेंद्र मोदी एक मंच पर मिल जाएंगे, कांग्रेस को बहुत आनंद आएगा। ठीक है, कहानी खत्म। सारिका बोलिए, आगे कोई सवाल है आपके पास? अजय आलोक रुक जाइए, सारिका आपका जवाब देगी। सारिका मेरा सवाल पर यह है कि सारिका तमाम एग्जिट ओपिनियन पोल्स कह रहे हैं कि जेडीयू का जो गठबंधन है, एनडीए का गठबंधन है, वो आगे है। आप भी समझ गए हैं कि रैली जुटाना, भीड़ जुटाना एक बात है, उसको वोट में तब्दील करना दूसरी बात है। तो आप भी जिन्ना की पोस्टर लगाना चाहते हो, बेशक आपके आरजेडी के पोस्टर में लालू जी की तस्वीर ना हो, पर जिन्ना की तस्वीर आप चलाएंगे ताकि एक वोट का ध्रुवीकरण किया जा सके, क्या यह आपकी स्ट्रेटजी है? बिल्कुल, हमारी स्ट्रेटजी तो बिल्कुल ही स्पष्ट है, हम बात विकास पे कर रहे हैं, हम बात रोजगार पे कर रहे हैं। रही बात ये आप पोल की जो बात कर रहे हैं, ये 10 तारीख आने में बहुत चंद दिन बचे हुए हैं, 10 तारीख का इंतजार कर लीजिए, ये सारे झूठे साबित होने वाली है। और मैं ये भी बोलना चाहूंगी कि आलोक जी ने अभी जैसे कहा अतीत की बात, सबसे ज्यादा अगर कोई अतीत की बात करता है तो वो यही लोग हैं जो हमेशा अतीत को सामने लाते हैं, प्रेजेंट में ये जीना नहीं चाहते हैं। इनफैक्ट अगर पिछला 15 साल में भी अगर ये जी लेते तो बड़ी बात होती, लेकिन अतीत की बातें हमेशा यही करते हैं। मैं ये भी बोलना चाहूंगी, आतंकवाद, राष्ट्रवाद और माओवाद और ये खुद को गांधीवाद बताते हैं, लेकिन इनके ही पार्टी में प्रज्ञा जी जो है ना, वो सबसे बड़ी मैं जो कहते हैं ना गांधीवाद के विरोधी हैं, जिन्होंने नाथूराम गोडसे को देशभक्त कह दिया था। तो इनको ये भी स्पष्ट करना पड़ेगा सवाल है कि आखिर ये देशद्रोह की परिभाषा है क्या और राष्ट्रवाद है क्या। इनको ये भी मैं याद दिलाना चाहूंगी, ये दिल्ली का इलेक्शन ना भूले जहां इन्होंने कहा था पाकिस्तान के लाहौर फेस्ट में जाकर कहना भारत बहुत बुरा है, कोरोना की लड़ाई नहीं लड़ रही है, राष्ट्रवाद है क्या? सालीन बाग में नहीं नहीं, तो मुझे एक बात बताइए कि लाहौर के थिंक फेस्ट में जाकर इमरान खान की रैली को एड्रेस करना एक तरीके से और कहना कि भाई हमको 370 फिर से लागू करना है, कोरोना की लड़ाई हम हार गए, ये राष्ट्रवाद है क्या? अजय आलोक, फिर उसके बाद अजय कुमार के पास जाएंगे। अजय आलोक, नहीं नहीं, कांग्रेस पार्टी के लिए यही, कांग्रेस पार्टी के लिए और आरजेडी के लिए यही राष्ट्रवाद है कि हम पाकिस्तान में जाके वहां के बोलें मनीष शंकर अय्यर, पाकिस्तान के राष्ट्रपति या प्रधानमंत्री को, कि मोदी को हटाने में हमारी मदद करिए आप, ये राष्ट्रवाद है। वहां के लिटरेरी फेस्टिवल में शशि थरूर जाके बोले कि कोरोना की लड़ाई भारत बहुत बुरी तरह से लड़ रहा है, हार गया है, यही राष्ट्रवाद है इनका। अजय कुमार, पाकिस्तान की जाके पाकिस्तान में, इनसे अच्छे तो वैसे ही निकले, इनसे अच्छे तो वैसे ही निकले, कम से कम जो कहते हैं खुले कहते हैं। अजय कुमार, पर एक बात तो मानिएगा ना आप कि लालू के जमाने में 2005-06 की बात करें तो क्या था बजट स्टेट का? 18,000 करोड़। आज नीतीश राज में 2 लाख करोड़ है बजट। अगर आप बात करें लॉ एंड ऑर्डर की तो वो भी बेहतर हुआ है।
चारा का घोटाला आज नहीं हुआ है, अगर आप प्रति व्यक्ति आय की बात करें तो 43,000 हो चुका है हर बिहारी का प्रति व्यक्ति आय, अगर आप जीडीपी ग्रोथ की बात करें तो 3% हुआ करता था, आज 13% हो चुका है, अगर आप ब्रिज की बात करें तो 1200 ब्रिज बने हैं 9 साल में, गंगा कोसी इनके ऊपर, और 375 ब्रिज बनने में 30 साल लग गए थे। तो कम से कम इतनी बात तो मानिएगा ना कि नीतीश बाबू ने लालू से ज्यादा सुशासन कराया है, लालू से ज्यादा अच्छा उनका शासन रहा है, इतनी बात तो मानिएगा ना, इतना क्रेडिट तो दे दीजिए अजय आलोक को। अरे बिल्कुल, हम तो इससे ज्यादा मानने को तैयार हैं, लेकिन अब हम कह रहे हैं कि चला चली का बेला है, अब चलिए, आपको जो करना था आपने कर दिया, इसके आगे आपके बस की बात नहीं है, उसके लिए बिहार फर्स्ट और बिहारी फर्स्ट का नारा स्वीकार करने की बात है। इस ख्वाब में अब बिहार बहुत दिन नहीं जीने वाला है, ये सब हो गया, क्या हुआ इन्वेस्टर मीट का, जहां सोच ही है कि बिहार में औद्योगिकरण हो ही नहीं सकता, कि ये लैंड लॉक कंट्री है। अभी अजय आलोक ने स्वीकार किया कि चलिए 4 लाख वैकेंसी नहीं थी, 1,73,000 थी, तो 15 साल लगेंगे आपको 1,73,000 वैकेंसी भरने में। देखिए किस तरह का रिएक्शन आ रहा है नीतीश बाबू का, अरे पैसा कहाँ से लाइएगा, वो 10 लाख नौकरी की बात किए तो आप कहते हैं पैसा कहाँ से लाइएगा, अब बीजेपी बोल दी 20 लाख नौकरी, अब सवाल बीजेपी से कि पैसा कहाँ से लाइएगा। अजय आलोक जवाब दे रहे हैं, अजय कुमार का। अभी ये मुझे कह रहे हैं कि बीजेपी से सवाल पूछने, बीजेपी ने पहली बात इन्होंने सुना ही नहीं घोषणा पत्र, बीजेपी ने कहा है 19 लाख रोजगार देंगे, रोजगार और नौकरी का फर्क आपको भी नहीं पता, ये मुझे नहीं पता था, तेजस्वी के लिए मानते थे कि रोजगार और नौकरी में फर्क नहीं पता है, ये हम जानते थे, लोजपा का भी यही हाल हो गया तो ठीक ही है, दोनों आजकल एक सुर में जा रहे हैं। दूसरी बात, आपके कहने से संध्या नहीं होती है ना, आपके आपके कहने से संध्या नहीं होगी ना, सूर्य को जब अस्त होगा तभी अस्त होगा, अभी तो सूर्य प्रगतिमान है, विदितमान है, जिसका तेज पूरे बिहार में फैला हुआ है, जनता के कहने से चलिए मनाइए। तीसरी बात, लोजपा ने कभी सरकार नहीं चलाई है, इसलिए उसको कभी पता नहीं है कि वैकेंसी कब भरी जाती है, वैकेंसी कब खाली होती है, प्रावधान क्या होता है, तो कृपया करके गवर्नेंस का प्रावधान सीख के आइए, उसके बाद हमें सरकार चलाना बताइएगा, वैसे भी आपके सलाह की जरूरत नहीं है ना, आप 3 में ना 13 में है, जाइए ठीक है, बिहार फर्स्ट बिहारी फर्स्ट करते रहिए, लास्ट में आप ही हैं वैसे। आपको तो कोई 3-13 में लगे नहीं रहा है, 3-3 आदमियों के सामने तो हाथ जोड़ना पड़ गया मांझी जी, आपको बीजेपी पूछ रही है पहले, अच्छा मोदी, एक सवाल अजय कुमार बीजेपी का स्तुतिगान, अजय कुमार पूछ रही है आपको, अजय कुमार देखिए ना कितना हाथ जोड़िएगा, अच्छा अजय कुमार एक सवाल आपसे, अगर हंग असेंबली की स्थिति बनती है और आपकी भूमिका महत्वपूर्ण हो जाती है, दो पूछे नहीं एक ही पूछूंगा, पर अहम सवाल पूछूंगा, महत्वपूर्ण भूमिका में अजय कुमार है, दोनों की तरफ जा सकते हैं, तो किसकी सरकार बनवाएगा अगर किंग मेकर बनिएगा तो, एक स्टैंड लीजिएगा, आप ये मत बोलिएगा मोदी जी के लिए तो बड़ा प्यार है आपके दिल में, मुझे पता है, तो बताइए अब अरे किसके हनुमान बनिएगा मुश्किल घड़ी में, बताइए, व्यक्तिगत तौर पे जानते हैं और हमारे नेता को भी जानते हैं, हम बहुत स्पष्टवादी लोग हैं, कोई अगर मगर नहीं है, नीतीश कुमार मुख्यमंत्री बन ही नहीं रहे हैं, इसलिए ये सवाल ही बेमानी है, सिर्फ और सिर्फ भाजपा की सरकार हमारे समर्थन से बिहार में बनेगी, यही हमारा संकल्प है और हम बनवा के रहेंगे, आपको 10 तारीख आपके चैनल पे फिर आपसे मुलाकात करेंगे। ठीक है, मेरे पास आखिरी कुछ लम्हे बाकी है इस डिबेट में, तो मैं एक बार फिर से रुक करना चाहता हूँ सारिका जी आपका, सारिका जी क्या कांग्रेस पार्टी से कहेगी कि ये जिन्नावाद, ये पाकिस्तान कश्मीर, इन मामलों पर बोलने से हो सकता है आपके समीकरण बिगड़ जाए, तो कम से कम कुछ दिनों के लिए ये वोट बैंक तुष्टिकरण की राजनीति को बंद कर दे, सुनेंगे आपकी सारिका जी। महागठबंधन की कोई पार्टी जो है वो जिन्नावाद, राष्ट्रवाद और पाकिस्तान तो कर ही नहीं रही है, तो ये शुरू और बंद करने का सिलसिला तो एनडीए की तरफ से हो रही है, उन्हें चाहिए कि ये सिलसिला वो बंद करे, हम तो कभी इन मुद्दों को लेकर के उठा ही नहीं रहे हैं, हमारे सहयोगी दलें भी जो हैं उन्होंने भी कभी इन मुद्दों को नहीं उठाया, प्रॉब्लम आपको है, उन्हें निकलने की जरूरत है इन सब चीजों से, और असल मुद्दे तस्वीर हटनी चाहिए, ठीक है, सीधा सवाल अजय आलोक पूछ रहे हैं, सारिका अजय आलोक का सीधा सवाल पूछे सर, जिन्ना की तस्वीर हटानी चाहिए या नहीं, जिन्ना की तस्वीर हटानी चाहिए या नहीं, बिल्कुल आप स्वतंत्र हैं, आप आपकी पार्टी में नरेंद्र मोदी जी हैं, आप प्रधानमंत्री हैं हमारे, वो आप बिल्कुल हटवा लीजिए, अरे मैं पूछ रहा हूँ आपका क्या स्टैंड है, आप हटवा लीजिए ना, पावर में है, आप नहीं हटवाना चाहती ना, आप अधिकृत प्रवक्ता है मैडम,
आपका क्या स्टैंड है, आरजेडी का स्टैंड? मैं तो बोल रही हूँ बिल्कुल हटवा दीजिए, कानून के तहत आप जाकर के जो प्रक्रिया है करके हटवा दीजिए, मुझे क्या प्रॉब्लम है भाई, जिन्ना की तस्वीर मुझे लगता है प्रॉब्लम ही नहीं रहे या ना। आज से बैटल फॉर बिहार और भी दिलचस्प मोड पर, माफी के साथ कहूंगा होना चाहिए कि नहीं, जरा इनसे भी पूछ लीजिए। ठीक है ठीक है, मेरे पास होना चाहिए कि नहीं, जरा इनसे भी पूछ। मेरे पास समय इतना ही था, बाकी मैं आपसे एक बात कह सकता हूँ, मैं आपसे एक बात कह सकता हूँ, बैटल फॉर बिहार थमा नहीं है, कल से प्रधानमंत्री की एंट्री होगी तो बैटल फॉर बिहार और भी गर्माने वाला है। सवाल सिर्फ इतना है कि असली मुद्दे क्या होंगे, बेरोजगारी होगी, गरीबी होगी, बिहार में जो माइग्रेंट पॉपुलेशन आया है उनके बारे में होगा, जो फ्लड्स आते हैं बिहार में उसके बारे में होगा, विकास कितना हुआ है 15 साल में, या ये 15 साल बना वो 15 साल होगा, या पाकिस्तान जिन्ना कश्मीर 370, ये असली मुद्दे हो जाएंगे।